नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपका DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत आपका चैप्टर 4 ये चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम अभी डील कर रहे हैं किसको, चक्रवृद्धि ब्याज को। इससे पहले आपके चक्रवृद्धि ब्याज के आपके 3 से 4 वीडियो हो चुके हैं और आज वीडियो नेक्स्ट है। इससे पहले मैं आपको छमाई, छमाई दे वाले, वार्षिक वाले और आपके तिमाही वाले, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। तिमाही वाले और आपका जो मिसधन निकाला जाता है वो मैं आपको सभी क्वेश्चन उन्हें बहुत ही डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। और आज हम ज्ञात करना सीखेंगे कि मूलधन को हम कैसे ज्ञात करते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत। तो चलिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। तो आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा लेना। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप अपने DLED थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आप 25 में से 25 नंबर लाने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप वीडियोस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आप एग्जाम में जाकर के डील कर पाएंगे। तो चलिए देखिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मूलधन को ज्ञात करना सीखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन समय प्रतिशत दर ज्ञात हो तो मूलधन अग्र सूत्र द्वारा प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। यानी हमें क्या क्या क्या, तो यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता हो, हमें मिश्रधन पता हो, हमें समय पता हो, हमें प्रतिशत पता हो, तो हमें क्या निकाल सकते हैं, हम फिर मूलधन आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए देखते हैं मूलधन किस तरीके से निकलेगा, कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे तो मूलधन हमारा निकल जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + दर / 100 पे पावर कितना होता है, एन होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो, मूलधन। अब मूलधन 1 + दर / 100 पे पावर एन माइनस का मूलधन, हम ये फॉर्मूले में से क्या निकाल देंगे, मूलधन को हम निकाल देंगे। अब मूलधन को निकाल देंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पहुंच जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास है, हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास मिश्रधन है, मिश्रधन का ही तो फॉर्मूला खुला हुआ है। मिश्रधन बराबर ही तो होता है ये मूलधन कोष्टक में 1 + दर / 100 पावर n, और माइनस उसमें से मूलधन निकाल देंगे। तो मिश्रधन में से जब मूलधन निकाल देते हैं तो क्या निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो वही तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका। आगे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो मूलधन आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मूलधन कोष्टक में 1 + दर / 100 पावर n, यानी समय माइनस 1, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों में से मूलधन को कॉमन ले लिया है। जब दोनों को, दोनों में से हमने मूलधन को कॉमन ले लिया तो इसलिए हमारा ये आ गया है। तो इस तरीके से इसका आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो इसी पर हम आपके क्वेश्चंस कराएंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।